हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज मैं शेयर करूंगी लड्डू गोपाल की एक और प्यारी सी सच्ची घटना। या तो आप इसे लीला समझ लीजिए लड्डू गोपाल की, या एक सच्ची घटना समझ लीजिए। तो एक पति पत्नी और उनके दो बेटे रहा करते थे। उनका छोटा सा घर था, बहुत छोटा सा, और पति का गुड़ का व्यापार था। वो रोज़ सुबह उठकर गुड़ बेचने जाता था और उनके यहाँ एक छोटे से लड्डू गोपाल का विग्रह था। तो पत्नी रोज़ सुबह लड्डू गोपाल को नहलाती थी, सेवा करती थी, भोग लगाती थी, सुलाती थी, तो वो लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करती थी। और दो बेटे थे। तो कुछ दिन बाद हुआ ऐसा कि उनकी माँ ख़त्म हो गई दोनों बेटों की। उसके बाद अब वो ख़त्म हो गई तो जो जो उनके पति थे उनका नाम झुंझुमल था, जो गुड़ बेचने जाते थे। तो भाई पत्नी नहीं रही तो वो रोज़ कृष्ण भगवान को सुबह नवा के और एक गुड़ की डेली सामने रख जाते थे, क्योंकि भाई वो गुड़ बेचने जाते थे, गरीब थे, ज़्यादा पैसा था नहीं उनके पास, तो वो एक डेली का रोज़ भोग लगा जाते। अब कुछ दिन बाद लड्डू गोपाल को ऐसा चस्का लगा गुड़ खाने का, ऐसा चस्का लगा कि उसके जो दो बेटे थे वो अपने पिता से बोले, पिताजी घर की मरम्मत करा लेते हैं। तो पिताजी बोले, मैं तो सुबह गुड़ बेचने जाता हूँ और शाम को आता हूँ, तुम जैसे चाहे वैसे करा लो। अब बेटों ने घर में मरम्मत लगा दी। अब मरम्मत लगाई तो जिस अलमारी में लड्डू गोपाल बैठे थे, भाई झुंझुमल ने वहाँ से उठा के वो अलमारी में बंद कर दिए कि धूल मिट्टी आएगी, गिर जाएंगे लड्डू गोपाल हैं। अब झुंझुमल लड्डू गोपाल को अलमारी में बंद करके भूल गए। अब वो रोज़ सुबह लड्डू गोपाल देखते कि ये मेरा भोग लगाएगा, लेकिन झुंझुमल तो अलमारी में रखे हुए भूल गए। अब हुआ ये कि झुंझुमल सुबह गुड़ लेके गुड़ बेचने जाते थे, तो वो गए रोज। अब वो सुबह गए तो शाम को बहुत धूप थी, उनने सोचा इस बगीचे में थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ फिर बेचूँगा, अभी धूप में कोई नहीं आ रहा। तो वह उस बगीचे में आराम करने बैठ गए। तभी एक लड़का आया छोटा सा और झुंझुमल से बोला, आप मुझे थोड़ा सा गुड़ देंगे खाने के लिए? झुंझुमल ने सोचा बच्चा है, चलो दे देता हूँ। तो झुंझुमल ने उसको गुड़ दे दिया। अब दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, जब भी धूप पड़ती झुंझुमल उस पार्क में जाके आराम करने बैठ जाता और वह बच्चा रोज़ एक गुड़ की डेली मांग कर झुंझुमल से खा लेता। ऐसे एक महीना बीत गया। एक महीने तक वह लड़का गुड़ मांग कर खाता रहा। अब घर पर जब पूजा हुआ, हवन हुआ, तो झुंझुमल गुड़ बेचने गया नहीं। तो फिर वह लड़का पता करते करते झुंझुमल के घर आ गया। बोला, अंकल आज आप पार्क में आए नहीं तो मैं आपके घर आ गया आपको ढूंढते ढूंढते, मुझे थोड़ा सा गुड़ दे दो। तो झुंझुमल उसे देख के बहुत खुश हुआ, मतलब उसे उस लड़के से इतना लगाव हो गया, एक महीने में उसने उसे गुड़ दे दिया। और जब घर में पूजा हुई तो उसे लड्डू गोपाल की भी याद आई कि मैंने तो अलमारी में बंद कर दी लड्डू गोपाल। फिर उसने जब उसके घर में मंदिर बना तो उसने अपने लड्डू गोपाल को भी स्थापित किया। अब फिर से वो पहले की तरह सुबह उठता, लड्डू गोपाल का नहलाता और एक डेली गुड़ की रख देता, फिर वो गुड़ बेचने चला जाता, फिर उसी पार्क में बैठने लगा। लेकिन उसने देखा उस दिन से वो लड़का आया नहीं। अब झुंझुमल को उससे इतना लगाव हो गया था, उसने सोचा लड़का क्यों नहीं आया, पता नहीं कोई परेशानी में क्या है। तो उसने आसपास उसे ढूंढने की कोशिश भी की, दूसरे गांव तक गया कि एक छोटा सा बच्चा था कि वो आपने देखा गुड़ मांगता था उससे, तब भी नहीं आया। अब झुंझुमल घर आया, बहुत परेशान हुआ, उससे इतना लगाव हो गया। अब वो रोने लगा कि पता नहीं वो बच्चा गुड़ लेने मुझसे क्यों नहीं आया। अब वो लड्डू गोपाल के सामने बैठा, रोने लगा, बहुत रोया कि वो पता नहीं कौन बच्चा था, क्या था और वो अब कहाँ चला गया, क्योंकि उसको बहुत लगाव हो गया था। अब झुंझुमल रात को सो गया।
तभी उसके सपने में लड्डू गोपाल ने सपना दिया कि पहले तू मेरा रोज गुड़ का भोग लगाता था, तो मैं रोज गुड़ खाता था, फिर एक महीने तूने मुझे अलमारी में बंद कर दिया और तू मुझे भूल गया। अब मुझे तेरे गुड़ खाने की आदत पड़ गई, मुझे गुड़ का चस्का लग गया, तो फिर मैं कैसे रहता? इसलिए मैं बच्चा बन के रोज़ तेरे पास गुड़ मांगने आता था। अब तूने मुझे अलमारी से बाहर निकाल लिया, अब तू मेरा रोज़ भोग लगाता है, तो मुझे रोज़ यहीं पर गुड़ खाने को मिल जाता है, तो मैं रोज़ तेरे घर मांगने क्यों आऊँ या तुझसे पार्क में मांगने क्यों आऊँ, मुझे तो यहीं मिल जाता है गुड़। अब झुंझुमल सुबह उठा, उसने सारा सोचा कि पहले मैं लड्डू गोपाल का भोग लगाता था, तब वो लड़का एक भी दिन नहीं आया। जिस दिन से मैंने लड्डू गोपाल का भोग बंद किया, लड्डू गोपाल को बंद किया अलमारी, उस दिन वो लड़का रोज़ आया। फिर मैंने लड्डू गोपाल का भोग लगाना शुरू किया तो वो फिर नहीं आया। तो लड्डू गोपाल ने तो उसको समझा दिया था कि मैं ही मांगने आता था। अब झुंझुमल अपनी गलती पर बहुत रोया, लड्डू गोपाल के आगे बैठ के बहुत रोया, प्रभु आप मेरे पास आए और मैं आपको पहचान नहीं पाया, और एक महीने तक मैंने आपको भूखा रखा, प्रभु मुझे माफ़ कर दो, प्रभु मुझे माफ़ करो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप मुझसे स्वयं मिलने भी आए मेरी इतनी बड़ी गलती होने के पास। तब लड्डू गोपाल ने फिर से उसे समझाया कि मैं तो भाव का भूखा हूँ, भक्त का और भगवान का भाव का रिश्ता होता है, तू मुझे गुड़ की एक डेली का भोग लगाता था, उसी से मुझे आदत हो गई कि मैं रोज़ गुड़ खाने के लिए तेरे घर आता हूँ। अब तो झुंझुमल और जोर जोर से रोने लगा। तो देखिए, इस घटना से मैं यह समझा रही हूँ, इस लीला से, कि भगवान से जो हमारा रिश्ता है वो भाव का होता है। अगर हमारे भाव सच्चे हैं तो भगवान हमसे मिलने किसी भी रूप में आ सकते हैं। आपको ये हमारी सच्ची घटना कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। राधे राधे।